और देखिए देश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है और बगिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। बगिया में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय की ये पहली होली है और अपने गृह ग्राम में परिवार के साथ वो होली मना रही है। देखिए बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जसपुर दौरे पर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि 2 से 3 जगह जो कार्यक्रम होंगे उनमें शामिल होंगे, लेकिन अपने गृह ग्राम वो पहुंचेंगे और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, उनके गृह ग्राम की तस्वीरें हैं जहाँ वो अपने परिजनों के साथ होली मनाते हुए, होली का गुलाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीर जसपुर से आप देखिए, तो बगिया में वो अपने घर पर पहुंचे हैं जहां होली का त्यौहार मुख्यमंत्री अपने परिजनों के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम बनने के बाद उनकी ये पहली होली है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है हर तरफ। इसी तरीके से आप देखेंगे गुलाल लगाकर खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया में होली का त्यौहार मना रहे हैं। उनके परिवारजन भी उनके साथ में मौजूद है। सभी को मिठाई खिलाकर खुशियों का त्यौहार मनाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली होली है और ये तस्वीरें आप देखिए। होली नए साल का पहला त्यौहार भी है और इत्तेफाक देखिए, मुख्यमंत्री के नाते विष्णुदेव साय की पहली होली भी है जिसमें चुनाव का रंग भी है, गुलाल की गारंटी भी है, वादों का फाग भी है, अबीर की तरह गहरा विश्वास भी है। इस खास त्यौहार को हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे होली की बड़ी खासियत होती भी यही है सर, होली की बड़ी खासियत होती भी है कि लाल पीला हरा नीला सब रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। युवाओं को न्याय मिला, महिलाओं को वंदन मिला, किसानों को बोनस मिला, तीर्थाटन वृद्धों को मिला सर। और आज की होली पहली बार मुख्यमंत्री के नाते आप जशपुर में। हाँ, आज मुख्यमंत्री दायित्व संभालने के बाद अपने गृह ग्राम में ये पहली होली है और कल हम जसपुर आए तो जसपुर में भी जिला हेडक्वार्टर में वहाँ के जो विधायक हैं श्रीमती रायमुनि भगत, उनके निवास में, उनके फार्म हाउस में होली मिलन समारोह रखा गया था जिसमें पूरे जिले भर के नेता कार्यकर्ता सब आए। और कुनकुरी में जो हमारा विधानसभा मुख्यालय है वहाँ भी पूरे नगर वासियों के साथ होली खेलने का अवसर मिला। और आज यहाँ गृह ग्राम में, और अभी हम टाटीडांड जाएंगे गांव में, वहाँ एक संस्था है जिससे हम जुड़े हैं, उनके साथ होली खेलेंगे, चलेंगे वहाँ से आकर दिन भर यही अपने घर में होली खेलेंगे। और आज होली है तो इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये होली का त्यौहार बुराई में अच्छाई की जीत का त्यौहार है और इसमें कहा गया है कि दुश्मन भी गले मिलते हैं, छोटा मोटा कोई मन मोटाव को भूल के। तो सबसे मेरा आग्रह होगा कि शांति से इसको मनाएं और सबको एक दूसरे से गले लगाते हुए, ये रंगों का त्यौहार है, हर रंग मिलके एक हो जाते हैं, उस तरह से सभी इस त्यौहार को भाईचारा के साथ मनाएं, यही छत्तीसगढ़ वासियों को मेरा आग्रह है। मैडम, मेरा एक सवाल आपसे था, होली का रंग बहुत चटक होता है और बहुत गहरे तक उसका असर होता है, यही कहा जाता है कि साय साहब की राजनीति भी छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरह के लाल रंग की छटा और छटक जो है वो गहरा रंग छोड़कर जा रही है। गहरा रंग छोड़ के नहीं जा रही है, वो कायम रहेगी। जो भगवा रंग है ना, अब सारा देश भगवा में हो गया है और साय सरकार आने पर वैसे भी सब तरफ हरियाली है, खुशहाली है, लोगों के चेहरे पर तनाव नहीं है, सब खुश हैं। तो हम साय परिवार की ओर से हमारी समस्त जनता जनार्दन को, हमारे चिंतकों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। वो इसी तरह स्वस्थ कुछ सुना दीजिए लगे तो दो ऐसा तो कुछ नहीं है मुझे नहीं आता कुछ। होली में हैप्पी होली, क्या जसपुर की भाषा में, जसपुर की भाषा कुछ ऐसी चीजें दो लाइन कुछ गुनगुना दीजिए। गुनगुनाना नहीं आता रे मेरे को, भजन के अलावा कुछ नहीं आता है। होली दो लाइन बस ना, ज्यादा याद नहीं है मुझे। होली के रंग में रंग जाते हैं, रंग
से दिल मिल जाते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ, हमारे दिल के साथ आप सब मिले रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। होली का उड़दंग मस्ती के संग, होली का उड़दंग मस्ती के संग। लगातार हम शाम तक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ रहेंगे। होली का रंग भी देखिए अनोखा रंग है, हर रंग इसमें गहरा है, हर रंग का, क्योंकि लाल पीला हरा नीला सब रंग एक दूसरे में मिल जाते हैं। मतलब साफ है, आपस की छोटी छोटी गलत फहमियां, दूरियां, दुश्मनी कह लीजिए, जिस तरह से भी चीजें सब मिटा दीजिए और होली के रंग में रंग जाइए। कैमरा पर्सन योगेश, कैमरा पर्सन दीपक के साथ बगिया गांव से आदित्य नामदेव।